हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है निर्माण चित्यान अस्मिता मात्र दो भी विशेष है। इतम सत्यम आशा तमरा विवर्ती, एक योगी जो अपनी साधना करता हुआ अज्ञानुगत समाधि के अंदर जब पहुंच जाया करता है तो उस छोटी सी अवस्था में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो दूर दूर का देख सकता है, दूर दूर का सुन सकता है और उसके मन में जो भी आएगा बैठे बैठे वो बिल्कुल सत्य आता है। वो तो योगेश्वर थे। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया दिव्य दृष्टि से, अब ये कर्म खराब कर चुका है, अब इसके भुगतान कराना मेरा काम है। शास्त्रीय सिद्धांत है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हम अपने अच्छे और बुरे जो भी कर्म करेंगे उनका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। कार्य करना भोगा देवक चले, किसी के साथ छल करोगे, कपट करोगे, धोखा करोगे तो उसका भुगतान आएगा। जो अच्छा अच्छा करोगे, भयं ध्यान करोगे, सब कुछ अच्छे मजा करोगे तो उसका भुगतान सामने, भुगतान तो आता ही सामने है। तो भुगतान तो उसका था किंतु योगेश्वर का भक्त था, श्री कृष्ण भगवान का भक्त था। तो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर तो गा दिया, योग का मतलब ताकत वाले, ताकत वाले भगवान श्री कृष्ण भी गा गया। पूरी भगवत गीता को देखो, श्रीमद भागवत में देखो, हर जगह भगवान के लिए योग शब्द जरूर जोड़ा गया है। एक बार की बात है, वनों में गोकुल के पास दावानल हुआ, दावानल मतलब आग लग गया। भगवान इसको बंद कर दीजिए, आप म्यूजिक को बंद कर दीजिए। अंतर्यामी योगेश्वर ने जान लिया, भागवत में क्या वर्णन आता है, तदेति मृताक्षेषु भगवान अग्नि मूल वर्णम पीतवा मुखेचा कृता योगा दीक्षो विमोचय। क्या है, भगवान अग्नि वर्णम, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ये जान लिया आग में मेरे ग्वाल ग्वाल गाय बछड़े फंस गए, पीतवा मुखे तान त्यागिया, उन्होंने उस आग का पान कर लिया, जितनी आग लगी हुई थी बदों में सब आग को पी गए। तुम कर सकते हैं ऐसा, इतना सा भी आपको चल जाएंगे, वो क्या है, वो योगाधीश। योगाधीश विमोचयत, योगाधीश कहा गया, योगाधीश मतलब उस ताकत वाले श्री कृष्ण ने उन आग का पान कर दिया। इस समय यमुना जी में मथुरा में कालिया नाग यमुना जी में आया, पूरा जल विषैला कर दिया उसने। एक बार बाल बाल गाय बछड़े वहां पर घूम रहे थे, प्यास लगी, जल को पी गए। वहां पर क्या हुआ, जल को पीने से सारे के सारे मूर्छित हो गए, गिर पड़े। तो वहां वर्णन क्या आया है, तान दीक तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वरा इच्छा अमृत वर्षल्या सुनाथान संजीवय। तान दीक तथा भूतान सारे विश्व को अपने अपने उसमें अपने आकर्षण में मोहित करने वाले श्री कृष्ण ने क्या किया है, वहां पे अपनी अमृत बरसाने वाली आंखों से उनको देखा। योगेश्वरेश्वरा अपनी अमृत बरसाने वाली आंखों से उनको देखा और सबको जीवित कराया। ऐसे आंखों से योगी लोग क्या करते हैं, योगी लोग जो अपनी कुंडलनी को जगाकर साधना में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारा क्या है, हमारा दरबार सिद्ध योग की दीक्षा, सिद्ध योग मार्ग है हमारा, भगवान कृष्ण वाला मार्ग है, कुंडलनी जागरण वाला मार्ग है। हमारे कैसे कहा जाता है, तुम्हारे अंतर इसकी शरीर है, दिवास खुद शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, सब कुछ लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिला। तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर है, उस शक्ति को जगाने के बाद तुम भी उसी ताकत को प्राप्त कर सकते जो आज श्री कृष्ण भगवान की है, वो कुंडलनी शक्ति। योगी लोग क्या करते हैं, जो कुंडलनी जग जाती है उनका मन एकाग्र हो जाता है, जिनके संकल्प में ताकत आ जाती है, क्या करते हैं वो शक्तिपात चार प्रकार से करते हैं। किसी को आंखों से देखा शक्तिपात हो गया,
किसी के मन में सोचा अच्छा इंदौर में चार्ज भी है, चार्ज को ये दुख हो रहा है इस समय, चार्ज के पास से कृपा पहुंचे चार्ज करो ठीक हो गया, क्योंकि उनका मन पहुंच गया, ताकत वाले का मन पहुंचा, बीमारी भागी उसकी ठीक हो गई। और किसी को स्पर्श किया तो शक्ति बात हो गया तो कृपा उनकी हो गई। जैसे गोपियों पर हुई, गोपियां क्या बनी, सब गोपियां योगिनी बनी, तो योगिनी बनी उन्होंने किसका संग किया, असल में योगेश्वर का संग किया, उनके नेत्र शक्ति प्राप्त की, उनकी शक्ति प्राप्त करी, उनकी वाय शक्ति प्राप्त करी और शक्ति से क्या हुआ योगिनी बनी, तो वो योगेश्वर जो है ऐसे काम किया करते। क्या कहा यहाँ पर, साधारण योगी के लिए कहा गया, जो योग के द्वारा साधारण योगी जो है सबको जान लिया करता है, देख लिया करता है, तो वो तो योगेश्वर है, क्योंकि क्या किया वहां पर अपनी आंखों से देखा और उनको शक्ति बात किया और सारे जीवित। उस समय देखो जिस समय हस्तापुर में दुष्ट प्रशासन उसके चीर को खींच रहा था, चीर को खींच रहा था, द्रौपदी ने क्या किया, पहले अपने कुटुंबियों के पास गई है ना, विश्व पितामह ऐसे महान वीर योद्धा जिससे पूरा विश्व प्राप्त था उनके पास गई, उनसे विनती करी कि मेरी लाज बचाओ शासन से, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं। कृपाचार्य के पास गई, द्रोणाचार्य के पास गई, और फिर कोई ऐसे आदमी के पास गई जिसके पास जयद्रथ को क्या धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पास, धृतराष्ट्र तो आंख से भी अंधा था और मुंह भसाड़ू अभी अंधा था, अब वो समझ गई ये सब तो इस दुर्योधन का अन्न खा के इसके गुलाम बन चुके, ऐसा अन्न था मने, जैसा अन्न खाते वैसा ही मन हो जाता। हमारे तो सिखाते कि जो भी खाओ भोग लगा के खाओ, ताकि वो फिर तुम्हारे मन को दूषित निकलता है, उसमें उनकी दृष्टि पड़ जाएगी, इसलिए हमारे यहाँ भोग लगाने की प्रथा है, भगवान कृष्ण का, राम का, हनुमान जो भी तुम्हारे इष्ट है। तो क्या हुआ, वो उधर देखा ये सब उसका अन्न खा के क्या हुआ, उसके सेवक गुलाम बच्चे थे, उनने किसको पुकारा है, कृष्ण कृष्ण महायोगी, कृष्ण गोपी जनाप्रिय, कौर वारम निमग्नवाम किन्ना पश्यसि केशव, देखा कृष्ण कृष्ण महायोगी, ये महायोगी श्री कृष्ण एक साधारण योगी जिसका मन थोड़ा सा एकाग्र हो जाए उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने भक्तों की पुकार सुन लिया करता है, उनके काम कर दिया करता है। तो आप तो महायोगी है, क्या मेरी आप तक आवाज नहीं पहुंची, भगवान कहाँ है, द्वारका में द्रौपदी जी उनके चरण दबा रही है और द्रौपदी का पुकार रही है हस्तापुर में करोड़ मील हजारों मील दूर, लेकिन अब उसने एक बार फिर कहा किरी, कृष्ण पूरा नहीं कह पाई है, भगवान ने क्या किया है योग का योग को प्रकट किया, वो सिद्धि प्राप्त की वहां पे नवदेवता सिद्धि के द्वारा, जहां योगी का मन जाता है वहां योगी स्वयं भी पहुंच जाता है, सिद्धि का किया भगवान ने, उनका मन गया हस्तापुर में पहुंचे, आप सभी लोगों को पता होगा क्या किया वहां पे, उसके चीर को बढ़ाया, याद है एट्थ क्लास में पढ़ते थे हमने मुहावरा पढ़ा था, साड़ी बीच नारी है के नारी बीच साड़ी है, साड़ी में नारी है के नारी में साड़ी है, ऐसा उसका भगवान ने चीर। तो योगेश्वर जो मतलब ताकत वाले, क्या कहता है उपनिषद, अचिन शक्तिमान योगी नाना रूपाणी धारे संग्रेच प्रस्तानी स्वेच्छा भितेंद्रिय नासौ मण मापनोति पुनर्योग बलेन्तु हटेन मृत्यवासम मृत मरणम पुता मरणम यत सर्वेशा प्रपर जीवति यत जीवन्ति मूलास्तुदासो मृत एव कर्तव्य तस्यादि कृते नासो जीवन मुक्त सदा स्वच्छा। क्या करते हैं, एक योगी महाशक्तिवान है, नाना रूपाणी धारे जब चाहे अनेक रूप धारण किया करता है, संग्रेच पुरस्तानी और जब चाहे उनको अपने में समेट ले, तीनों लोगों में स्वच्छंद विचरण करता है, उसके लिए कहा गया घर अवसर का अवसर है पर तेरा अवसर कोई नहीं, नासो मण मापनोति पुनर्योग बलेन्तु हट योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को मार दिया करता है, हमारी तुम्हारी इंद्रिया बहिर्मुखी है, शक्ति निकल रही है
व्यक्ति कमजोर है, बीमार है, चिड़चिड़े है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं यार, क्योंकि तो शक्ति निकल रही है। तो ये करता है हठ योग के द्वारा, साधन योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को मार लिया करता है, उस पर विजय प्राप्त कर लिया करता है। जीवंती जिन जिन भोग विलासों में रात दिन में आप लोग लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भूख लगे रहते हैं, योगी सुबह क्या करता है, मरणासन हो जाता है, सो जाता है। जिस रात्रि में हम लोग सो जाते हैं थक के भोग विलासों में संसार के कामों में उलझे हुए, उनसे सोने का योगी क्या करता है, वह जागृत है, कर्तव्य करता है, और उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। सदा कहना भगवान की गीता में जन्म कर्म चमे दिव्यम, अर्जुन मेरे जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है, मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने कर्म इसलिए करता हूँ ताकि संसार वाले कुछ सीख के मुझसे कुछ ना कुछ तो करेंगे, योग में कुछ तो करेगी, अभ्यास करेगी। तो ये हमारा दरबार है, योगियों का दरबार है, योग का दरबार है, यही सिखाया जाता है। गृहस्थ में रहिए, कैसे योगी बनो, ताकत वाले बनो। अभी हम लोग क्या है, क्या गया था, चुप शिकार है रोगों के, डिप्रेशन के, तनाव के, छिछड़े पंडितों के। अभी हमें कोई सामर्थ्यवान नहीं मिला जो हमको अंदर की तरफ प्रवेश कराए, अंतर्मुखी बना दे, स्थिर मन को बना दे, तो वो नहीं मिल पा रहा है ना। श्री प्रभु जी क्या है, योगियों के महायोगी है, योगेश्वर कथा आपने सुनी अभी, इतने भजन सुने प्रभु जी के यहाँ पर, तो नेपाल तिब्बत चीन की सीमा से ऊपर बर्फों की पहाड़ियों पर एक शरीर से आज भी विराजमान है। योग के द्वारा निर्माण काय से 16 शरीर एक साथ बनाकर अवनि मंडल पर आए। तो आप बोलोगे 16 शरीर कैसे बनाए, योग के द्वारा। भगवान किसने क्या किया, श्रीमद भागवत में 11वें स्कंध में वर्णन आता है, अंगना मंत्र माधवम 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 अंतरे अंगना इतमा कल्पते मंडले संजवा देवकी नंदना भेड़ो संगना। अग्ना मंगना सारे अपने सब ग्वाल वाल गाय बछड़े पशु इंसान सबको सबको प्रेम करने वाले, सबको आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण का किया, गोपियों के प्यारे श्री कृष्ण का किया, वहां पे महाराज रचाए, महाराज रचाए, गोपियों को आह्वान किया। हम तो कहते हैं अरे भगवान श्री कृष्ण गोपी को नाच देते, अभी हम नाचने का साथ तो क्या फर्क पड़ गया, कोई तो साथ नाचे एक आध के साथ हम भी नाच रहे तो क्या फर्क पड़ता है। अरे वो तो अच्युत थे, उनने गोपियों को स्कूल में नहीं बुलाया है, आवाहन किया है राज के लिए, तो गोपियों के निर्माण चित्त बने हैं। वो तो भई है, कोई अपनी सास के पैर दबा रही है, कोई घर में रोटी बना रही है, कोई मक्खन लो रही है, सब काम कर रही है, क्योंकि निर्माण चित्त बने हैं। वो माँ महाराज के लिए प्रकट हुए, दादाजी के बीच में खड़े थे, गोपियों के मन में आया देखो दादा के साथ खड़े रहते हैं, काश हमारे साथ खड़े हो जाए, हमारे साथ उन्होंने माता का किया निर्माण काय किया, और निर्माण काय के द्वारा हर गोपी के साथ श्री कृष्ण खड़े आकर, हर गोपी देख रही है श्री कृष्ण मेरे साथ, श्री कृष्ण मेरे साथ, मेरे साथ। ऐसी हमारे श्री प्रभु जी ने जो कि महाप्रभु रामलाल जी महाराज ने क्या किया, इस समय यह योग लुप्त हो गया, दुनिया भर के आडंबर फैलने लग गए, गुरु दम फैलने लग गया, उस समय लोग भ्रमित होने लग गए कौन सा मार्ग अपना है कौन सा। आज भी देखो ना, कोई तो 8 दिन में कुंडली जगा देता है ना, कोई कुछ पूजा बताया कि मुंडे मुंडे मतलब बिन्ना निम्न प्रकार के भिन्न भिन्न मत हो रहे हैं। ऐसे में श्री प्रभु जी क्या किया, उस प्राचीन योग को तुम्हारे अंदर शक्ति है उसको पहचान कराने के, चेतन कराने के लिए श्री प्रभु जी अवनि मंडल पर जाकर आए और योग का प्रचार प्रसार किया। अभी इतना ही बस कहूंगा, भगवान की वाणी को ध्यान में रखते हुए सब योगी बनो। उन्होंने गीता में कहा वेदे तपस्व चैवे तासियं फलं प्रतिष्ठं अर्थितः सर्वं विद्वा योगी परमस्थान मुक्ति चाद्यं। अर्जुन वेद यज्ञ दान तप व्रत जो इन सब का फल मिला करता है, योगी उन सब से बहुत ऊपर उठ जाता है।
यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम भव योजनम विदते ध्यान योगे ने अन्यो भेदे कदाचने यदा यदि पहाड़ का पहाड़ भी तुम्हारे पाप कर्म का है, पाप कर्म तो है, अच्छे भी है पाप भी है ना, क्योंकि हम तो कल कब से जन्म होते आ रहे हमारे थोड़ी है जिसमें तुम बैठे हो, कितने जन्म हो गए जिसमें देवी बने देवता बने पशु बने मनुष्य बने बनते आ रहे तो पहाड़ का पहाड़ भी अगर तुम्हारा पाप कर्म का है तो क्या होता है विस्तीर्णम भव योजनम इतना बड़ा विदते ध्यान योगे ने ध्यान योग के द्वारा कोई तुमको बताने वाला मिल जाए अंदर प्रवेश कराने वाला मिल जाएगा तो क्या होगा ध्यान योग के द्वारा ऐसे बन जाएंगे पहाड़ भूई का होगा तो क्या होगा उसको आग लगाओगे तो क्या होगा जल के सा हो जाएगा। इसलिए आरती करते हैं प्रभु जी सबको जाके छोड़ देंगे। भगवान की जय।